सबसे ज्यादा दौरा करने वाले यही स्टेट है मोदी जी, जिनकी बर्बादी आप देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मोदी जी का लहर खत्म। मैं ये कैसे कह रहा हूँ, मैं ये बात पूरे साक्ष्य के साथ आज आपको बताने वाला हूँ और आप यहाँ पर देख भी पाएंगे। और नीतीश चाचा देंगे क्या चकमा? तो ये सबसे बड़ा सवाल है और लोगों के जेहन में है, क्योंकि नीतीश चाचा का अपना एक गुण रहा है, इनके अंदर कई बार गेम पलटने में रहे माहिर। तो सबसे पहले ये बात को हम आज जानते हैं कि मोदी जी का लहर कैसे खत्म हो गया। दोस्तों, मोदी जी ने जिस स्टेट का सबसे ज्यादा दौरा किया उस स्टेट में बीजेपी पूरी तरह से चित्त हो गई। और दूसरी बात, जिस स्टेट के खिलाफ सबसे ज्यादा आक्रामक रुख अपनाया मोदी जी ने, वहां पर पूरे एनडीए गठबंधन सीधे से क्लीन स्वीप हो गई। आइए आज आपको हम पूरा इसका साक्ष्य दिखाते हैं। दोस्तों, ये डाटा देखिए, अमर उजाला का ये डाटा है और इसमें आप ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा दौरा एक इधर राहुल गांधी है, इधर हमारे मोदी जी हैं। ये प्रदेश है, ये स्टेट का नाम है और चुनावी कार्यक्रम है। उसी तरह इधर भी राज्य आप देखिए और चुनावी कार्यक्रम देखिए। मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में 29 कार्यक्रम, पश्चिम बंगाल 20 कार्यक्रम, महाराष्ट्र में 19, बिहार में 16, उड़ीसा में 12, कर्नाटक में 11, इस तरह से टोटल कार्यक्रम इन्होंने 183 किया। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा इन्होंने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में और बिहार में किया। और आपको मैं बता दूं, उसी तरीके से यहां भी आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने 17 कार्यक्रम, इन्होंने 29 कार्यक्रम किया। राहुल गांधी ने केरल में 13 कार्यक्रम किया, जबकि केरल में कम गए हैं, 3 बार ही गए हैं। अब जरा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, केरल में पूरी तरह से बीजेपी फेल हो गई। केरल में पूरी तरह से, उत्तर प्रदेश में फेल, केरल में फेल, महाराष्ट्र में फेल। राहुल गांधी सबसे ज्यादा दौड़ा जहां जहां किए वहां पर सबसे ज्यादा सीट मिला, जबकि मोदी जी जहां जहां सबसे ज्यादा दौड़ा किए वहां पर सबसे बर्बाद हुए, वहां पर एनडीए गठबंधन बीजेपी पूरी तरह से फेल हो गई। हाँ, एक मध्य प्रदेश की छोड़ दे तो मध्य प्रदेश में मामा शिवराज सिंह चौहान, ये बात सत्य है, मुख्यमंत्री भी रहे और उनके जो बोलने के तरीके हैं, उनके जो काम करने के तरीके हैं, लोग उनको मामा कहते हैं, बड़े प्यार से बोलते भी हैं, जनता के दिल में उतरते भी हैं। 8,20,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीता। तो मध्य प्रदेश यानी एमपी में मामा का पूरा खेल चला। आइए दोस्तों, वरना मोदी जी वहां भी एमपी में भी पटकवा देते। अब इनकी पूरा मैं आपको व्याख्या करके बता दूं कि कैसे मोदी जी का लोकप्रियता समाप्त होते जा रहा है, अब ज्यादा दूर भी नहीं है। आइए सबसे पहले जान लीजिए, ये चुनाव 2024 वाराणसी, इनके सीट को ही ले लीजिए, 2014 का यह है। 2014 में आप जानते हैं जब चुनाव हुआ, वाराणसी से आए मोदी जी, चुनाव लड़े, बोले कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, तो वाराणसी आए। माँ गंगा ने इन्हें बुलाया, लेकिन माँ गंगा के ऊपर थोड़ा भी ध्यान इनको नहीं रहता है। जो क्षेत्र है इनका, देश के प्रधानमंत्री और करेजा पीट पीट कर कहने वाले लोग कि मोदी जी ने पूरे विश्व में डंका बजवा दी, इनकी स्थिति जानिए। 3,70,000 वोट से जीते थे, जिस समय ये अजय राय जो है ये तीसरे नंबर पर थे, केजरीवाल जी वो भी वहीं से खड़ा हुए थे, दूसरे नंबर पर थे। अब आ जाइए 2019, मोदी जी का बढ़िया लहर रहा। 2019 में मोदी जी 4,79,000 वोट से जीते अजय राय से। अब ध्यान दीजिए, चूंकि कांग्रेस से है, 4,79,000, इस तीनों चुनाव में अजय राय लगातार खड़ा हुए हैं इनके खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ। 4,79,000 वोटों से विजय प्राप्त किया था, बहुत अच्छी स्कोर कही जाएगी, बहुत ज्यादा जीत का अंतर कहा जाएगा। लेकिन इस बार सिर्फ 1,52,000, 2024 में सिर्फ 1,52,000 वोट से ही जीते हैं। अब सोच के देखिए दोस्तों, 4,79,000 और 1,52,000 वोट में कितना वोट ट्रांसफर हो गया। इतने वोटर जिनका उम्मीद टूटा मोदी जी से और 4,79,000 वोट से न जीत के, जो कि पिछले बार जीते थे, इस बार सिर्फ 1,52,000 वोट से ही जीते। कैंडिडेट वही है हर बार, मुझे तो लगता है कि अगर अखिलेश यादव होते तो मामला शायद कुछ और भी हो जाता। तो आइए दोस्तों, आपने मोदी जी की लोकप्रियता देख ली, जिस मोदी जी के नाम पर पूरी भाजपा, सिर्फ मोदी सरकार गोदी मीडिया यही चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, मोदी सरकार, और मोदी जी को स्टार प्रचारक, प्रचार मंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री से सीधे प्रचार मंत्री। और इन प्रचार मंत्री का अब हाल मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। ये जो प्रचार मंत्री बने हमारे प्रधानमंत्री, प्रचार मंत्री का स्थिति क्या हुआ सो समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में 29 कार्यक्रम किए, 80 में से 36 सीट लाए, हो गए चित। 20 कार्यक्रम इन्होंने पश्चिम बंगाल में किया, 42 में से 12 लाए। मोदी जी का दौरा जहां जहां ज्यादा हुआ, बर्बादी वही हुआ एनडीए के साथ। महाराष्ट्र में 19 कार्यक्रम किए, तो महाराष्ट्र में 48 में से 17 सीट आया है। दोस्तों, बिहार में 16 कार्यक्रम इन्होंने किया, चौथा सबसे ज्यादा रैली रोड शो भी किया बिहार में, और बिहार में लाए 40 में 30। अब आप कहेंगे तो बहुत है, तो आप जान लीजिए, पहले 39 था, अब हुआ है 30 पर आ गया है, लोकप्रियता घटी है। और हाँ, कुछ विपक्षी दल ने यहां गड़बड़ किया है, जिसके वजह से न तो यहां भी क्लीन स्वीप था, हम बताएंगे अगली वीडियो में। राजस्थान में 25 में से 14 है आया है, राजस्थान में भी इन्होंने 9 दौरा किया था। मध्य प्रदेश को मैंने इसलिए कह दिया कि मामा जी सबसे ज्यादा यहां पर, भाई मामा जी का योगदान रहा है, शिवराज सिंह चौहान जी का। अब जरा ध्यान दीजिए, राजस्थान ये ऐसे स्टेट थे कि भारत में ये ऐसे ऐसे स्टेट है जो मुख्य स्टेट है, वहां की स्थिति आप जान लीजिए। राजस्थान में 25 में से सिर्फ 14, जबकि पिछली बार 2019 में 24 सीट लाई थी भाजपा की सरकार।
भाजपा की गठबंधन ने 24 सीट लाई थी राजस्थान में, इस बार 14। सबसे ज्यादा दौड़ा करने वाले यही स्टेट है मोदी जी, जिनकी बर्बादी आप देख सकते हो। और मोदी जी के सिर्फ बर्बादी, दूसरे को नहीं हरवाए, ये अपनों 1,52,000 से जीते हैं, जो कि पिछले बार 4,79,000 से जीते थे। आपको मैंने दिखा दिया, नहीं चला इनका वो कार जो खेले थे, जात धर्म टोटी मंगलसूत्र, टोटी चोरी हो गया, भैंस चोरी हो गया, विधवा के मंगलसूत्र छीनने वाला सरकार, इन सारी चीजों को साइड में कर दिया। और इतना मुझे समझ में आया कि इस बार एनडीए की भले सरकार बन गई, लेकिन लोकतंत्र बचा है। क्योंकि कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी अगर देश से ज्यादा मजबूत हो जाए तो दोस्तों देश के लिए खतरा होता है। इस बात को जान लीजिए, संविधान और कानून से देश से बड़ा कोई भी पार्टी नहीं होना चाहिए। और यहां के लोगों ने यह दिखाया, जहां डबल इंजन की सरकार योगी मोदी की सरकार, वहां सीधे एनडीए गठबंधन चित्त हो गई, आपने ये देख लिया। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं दूसरा आंकड़ा, जहां पर बीजेपी जिस स्टेट के साथ सबसे ज्यादा आक्रामक रुख किया, अपना चेहरा दिखाया आक्रामक वाला, वहां सीधे क्लीन स्वीप हो गया। आप देख लीजिए तमिलनाडु 39 में से सिर्फ 39 में 0 सीट आया है एनडीए गठबंधन भाजपा वाली को। ये पंजाब का देख लीजिए 15 में 0, मेघालय का देख लीजिए 0 आया है 2 में, मणिपुर आपको याद ही होगा, और पंजाब तो आपको याद ही होगा। पंजाब में किसानों के लिए, जब किसान दिल्ली आ रहे थे, किसानों के लिए बड़े बड़े कील ऐसे बॉर्डर बना दिए गए थे, सरहद बना दिया गया था कि पंजाब वाला का दिल्ली नहीं आ सकते, तुम धरना भी नहीं दे सकते। बड़े बड़े कील और ड्रोन से बम छोड़े गए थे, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, और ड्रोन से हमला होता था किसानों के ऊपर। किसानों ने दिखा दिया कि पंजाब में 15 में से सीधे 0। और सुन लीजिए, मणिपुर में जब महिलाओं को, दो महिला को पूरे नंगा करके रोड पर घुमाया जा रहा था, उसकी बलात्कार किए गए, हिंसा फैला, लेकिन 60 दिन के बाद मोदी जी का मुंह खोला और चिल्ला चिल्ला कर कहने वाले मीडिया, पापा ने वॉर रोकवा दी, पापा ने वॉर रोकवा दी, एक बार भी 60 दिन तक नहीं टोका था कि पापा मणिपुर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। मणिपुर के लोगों ने 2 में से 1 भी सीट नहीं दिया, और यहां पर लक्षद्वीप में 0 आ गया, इसी तरीके से पुदुचेरी में 0 है, लद्दाख में 0 है। तो जिस स्टेट के साथ अनदेखा किया गया, मोदी जी को वहां क्लीन स्वीप मिला है। हां, रही बिहार की बात, तो बिहार के युवा ये बात भूल गए थे कि रोजगार भी कोई चीज होती है, क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा रोजगार रहता है। चुनाव के टाइम भूल जाते हैं, यहां के लोग भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ना मैं जा रहा हूं गुजरात फैक्ट्री में काम करने, और ना मेरा बाल बच्चा, क्योंकि मैं इतना समर्थवान हूं कि अब मेरे बाल बच्चा को दिल्ली गुजरात हरियाणा पंजाब और महाराष्ट्र फैक्ट्री में जाकर जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछली बार आपने 39 सांसद दिए थे, इस बार भी आपने दिया है, यह अच्छी बात है। मोदी जी तो खुद कहते हैं कि दोस्तों मैंने 35 साल तक भिक्षा मांगकर खाया है, करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांगकर खाया है, मैं लोगों के घर में, लोग भरोसा नहीं करेंगे, और पूरे गर्व के साथ ये बात बताते हैं। एक इंटरव्यू में फिर उन्होंने कहा कि मैंने 40 साल तक भिक्षा मांगकर खाया है, तो अलग अलग इंटरव्यू में, एक बार 35 साल, एक बार 40 साल, हम मान भी लेते हैं कि 35 साल भिक्षा मांग के खाए होंगे, तो ये गर्व की बात नहीं है। 35 साल एक जवान व्यक्ति 35 साल की उम्र तक अगर भिक्षा मांग के खाता है, कम से कम 20 साल से लेकर 35 साल तक 15 साल होता है, ये 15 साल जवानी में कोई भिक्षा मांगकर खाता है तो ये शर्म की बात है, ना कि ये गर्व की बात है। और हमारी गोदी मीडिया इस बात को भी दिखाता है कि गर्व की बात है, ऐसे महसूस करवाता है और लोगों को फील होता है कि ये गर्व की बात है। जो व्यक्ति अपने पूरे परिवार छोड़ दे, बीवी बच्चा भाई बहन माए बाप सबको त्याग दे, और फिर भी अपनी जवानी में भिक्षा मांगकर खाए, तो इस देश के युवाओं को प्रेरणा लेने की जरूरत थी। और ये इस बार भी एनडीए गठबंधन की सरकार बनाई, क्योंकि ये प्रेरणा से प्रभावित हुआ यहाँ के लोग, और इसलिए इनके लिए रोजगार मुद्दा नहीं था, इन्होंने दिया है। और फिर तुम चिल्ला चिल्लाकर मुझे मत कहना कि इस बार सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है, क्योंकि इस बार सरकार ने वैकेंसी और नौकरी पर तो बात ही नहीं किया है। जब कोई सरकार वैकेंसी नहीं देती है, जब बहाली नहीं निकालती है, तो आप ही युवा चिल्ला चिल्लाकर कहते सर वीडियो बनाइए सरकार के खिलाफ। और जब तुम्हें इस लोकतंत्र में यह व्यवस्था दिया गया था 5 साल में तुम्हारा अपना हिसाब किताब करने का, यहां भी तुम फेल हो, तो बिहार के लोग आपकी पलायन जारी रहेगी। और आप यह मत सोचिए कि आप बुलेट ट्रेन में और वंदे भारत में आप बैठ के जाएंगे, आप मजदूर आदमी हैं, आपके पास 2500 और 3000 रुपया नहीं है कि आप टिकट कटाकर यहां से जाएंगे, आप जाएंगे वो है 500 रुपया वाला में, लेकिन बाथरूम में बैठ कर जाएंगे, और ये आपका आना जाना लगातार जारी रहेगा, आप जाते रहेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक बात और सोचिएगा जरा, सही बात सोचिएगा, जब एक व्यक्ति 60 साल का हो जाता है तो जॉब कार्ड और लेबर कार्ड से नाम काट दिया जाता है, जिससे वो मजदूरी करता था, अगर वो मनरेगा में भी काम करता है तो वहां से जो कुछ मजदूरी अर्जित करता है वो लेबर कार्ड जॉब कार्ड से नाम हटा दिया जाता है, क्योंकि 60 साल हो गया तो वो सिर्फ वृद्धा पेंशन लेने के योग्य है, इसलिए उसको सरकार 400 रुपया वृद्धा पेंशन देती है बिहार में। लेकिन 74 साल का व्यक्ति अभी भी प्रधानमंत्री बनने के योग्य होता है, दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा जरूर, क्योंकि गरीब आदमी 60 साल के बाद लेबर कार्ड और जॉब कार्ड में भी इसका नाम नहीं रहता है, यानी वो मजदूरी करके भी नहीं खा सकता है, लेकिन 74 साल का प्रधानमंत्री बनकर पूरे देश को चलाने के लिए योग्य माना जाता है।